हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आ गई हूँ मैं यहाँ कपड़ा उपड़ा लेके। अभी थोड़ा सा फ्री हूँ मैं, क्योंकि आरब को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है और यहाँ मैं कपड़े मोड़ने के लिए बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माई चैनल मेघास होम ब्लॉग। तो चलिए यहाँ से मैं आज के ब्लॉग का शुरुआत करती हूँ। यहाँ कपड़ा बहुत ज़्यादा है, सो देख ही रहे हैं आप लोग। तो आज मैं सोच रही थी पहले कपड़ा ही कर लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से जो कपड़ा था वो सूख नहीं रहा था, आज फाइनली सूख गया था। तो मैंने सोचा कि अच्छे से इसे फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। तो फाइनली मेरा कपड़ा भी फोल्ड हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कपड़ा फोल्ड करने के बाद मैंने चाय रखा हुआ था, तो मेरी चाय हो गई थी। तो चाय मैं ऐसे ही नहीं पीती हूँ, उसके साथ या तो बिस्किट्स या तो ब्रेड्स मैं ले लेती हूँ। खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद मैं आज पहले ना क्लीनिंग का काम शुरू की थी। और यहाँ पे तो बेड वेड मैं सोची कि पहले बेड वेड ही झाड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। थोड़ा बहुत खाना बनाना ही है, तो पहले क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो अभी शाम का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 6:50। तो मैं जा रही हूँ अभी डिनर बनाने के लिए, और मैंने आरब को बैठा दिया है उसका होमवर्क करने के लिए। कल वैसे स्कूल बंद है इसका, तो ट्यूशन लेकिन खुला हुआ है, तो ट्यूशन जाऊंगी मैं पहुंचाने के लिए। तो ट्यूशन का होमवर्क ये कर देगा अभी, मैं इसे बैठाई हूँ अभी। और अभी चलते हैं आपको किचन में लेके, पहले मैं इसे दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये अपना होमवर्क कर रहा है, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ सीधे किचन में। तो कुछ तैयारियाँ मैंने पहले ही कर रखी थी, जिसमें मैंने एक छोटे से जार में एक प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ले लिया है। इसका मैं फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। और इधर मैंने बैंगन और आलू को भी छील लिए हैं। बैंगन को आपको पूरे पूरे रखने हैं, छोटे साइज़ का भी बैंगन लेना है आपको, और इसे बीच से कट लगा लेने हैं। और आलू को अच्छे से छील के धो के उसको लंबे लंबे मोटे टुकड़ों में कट कर देना है, ताकि सब्ज़ी ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत आसान सी रेसिपी है। तो पहले यहाँ पे चलिए पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेस्ट भी लगभग हो चुका है। तो पेस्ट में अब सारे मसाले डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यहीं पे ही आपको डाल के अच्छे से इसे हाथों से मिला लीजिए। तो चलिए मैं बनाती हूँ, आप साथ में इंजॉय करिए। अच्छे से मसाला मिक्स करने के बाद बैंगन में अच्छे से मसाला को फिल कर देंगे, ताकि ये थोड़ा सा छूटे भी नहीं, और इसका पेट अच्छे से दबा देंगे ताकि ये मसाला तेल में निकले नहीं। तो इसी तरह से आपको सारे मसाले को भर लेना है, मतलब जितना मसाला इसमें भराएगा उतना ही भरिएगा, जो बच जाएगा उसका यूज़ मैं आगे बताऊँगी। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया था, उसमें तेल डाल दिया। उसके बाद तेल में आप कुछ नहीं डालिएगा, सिर्फ आलू को आपको डाल देना है, और जो मसाला आपका बच जाए बैंगन से भर के, वो मसाला इसमें यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए 2 से 3 मिनट पहले आलू को मसाले के साथ ढककर पका लेंगे, उसके बाद इसमें बैंगन डालेंगे। तो चलिए इसी तरह से आपको बनाना है। तो पहले तो अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इसे आप ढक दीजिएगा। ढककर अच्छे से 2 से 3 मिनट इसे पकाना है, पकाने के बाद ही आपको यहाँ पे बैंगन डालना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से आलू को 2 से 3 मिनट पका लिया था, उसके बाद यहाँ पे बैंगन डाल देंगे। बैंगन डाल के भी आपको अच्छे से फिर मिला देना है, फिर ढक ढक के इसे पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको पकाना है। जब ये पक जाए तो एकदम अच्छे से आपको पता चल जाएगा, गोल्डन ब्राउन कलर का ये हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इसे निकाल लेना है। देखिए ये बिल्कुल रेडी है।
तो यहाँ इसी स्टेज पे आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और देखिए यहाँ मेरा रात का डिनर भी हो गया है, रोटी सब्ज़ी प्याज। एक्चुअली मैं प्याज थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए हर खाने में मुझे चाहिए ही, और यहाँ पे खा लेती हूँ। फिर मेरा बेटा बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता है, उसे मैं कुछ और बना के दे दी थी, और यहाँ पर सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए।